शार्दुल के कमरे में बैठे शिजा और शार्दुल बातें कर रहे थे। पहले शार्दुल ने शिजा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो एक सफेद चुड़ैल है, लेकिन जब वो नहीं मानी तो शार्दुल ने सोचा कि शायद शिजा को अपनी ताकत पहचानने के लिए किसी मार्गदर्शन की जरूरत थी और शार्दुल उसे वो मार्गदर्शन नहीं दे पा रहा था। फिर बातों का सिलसिला शुद्ध खून वाले पिशाचों की तरफ चल निकला। शार्दुल ने शिजा से पूछा कि क्या उसे पता था कि शार्दुल शुद्ध खून वाले पिशाचों की कौन सी पीढ़ी से था। जवाब में शिजा ने पांचवी पीढ़ी कहा। शार्दुल मुस्कुराया। मैं शुद्ध खून वाले पिशाचों की दूसरी पीढ़ी से हूं। मेरे पिता पहली पीढ़ी से हैं, और हां, सामान्य पिशाचों के विपरीत शुद्ध खून वाले पिशाचों का दिल धड़कता है। शार्दुल ने शिजा का चेहरा थामा और उसका सिर अपने सीने से सटा लिया ताकि वो शार्दुल की धड़कने सुन सके। ये किसी भी इंसान के दिल की तरह ही धड़क रहा था। पहली पीढ़ी से जितनी निकटता होगी, अपनी जड़ों को पहचानने में उतनी ही आसानी होगी। मेरा मानना है कि जैसे जैसे सदियां बीतती जाएंगी, शुद्ध खून वाले पिशाच भी सामान्य पिशाचों की तरह अपने गौरवशाली स्थान से नीचे गिर जाएंगे। शरीर के तापमान और धड़कते दिल के अलावा एक सामान्य पिशाच और शुद्ध खून वाले पिशाच के बीच क्या अंतर है? तुम वाकई जानना चाहती हो? शिजा ने उत्सुक होकर हां में अपना सिर हिलाया। शार्दुल आगे झुककर बहुत धीरे से उससे बोला, अगर मैं ऐसी गोपनीय जानकारी तुम्हें दूं जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा? जवाब जानने को उत्सुक शिजा तपाक से बोली, तो मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी। वैसे तुम भागकर कहां जाने की योजना बना रही थी नन्ही चिड़िया? जानकारी चाहिए तो बदले में सच बोलना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खुली किताब की तरह रहो। राजपूताना। राजपूताने में कौन है? शार्दुल शांत था, बिल्कुल भी गुस्से में नहीं, जैसे कि उसे विश्वास था कि शिजा कभी भी भाग नहीं पाएगी। हालांकि आंशिक रूप से वो अभी इसके बारे में सही था। अपने सफेद चुड़ैल होने की संभावना के आते ही शिजा ये समझ गई थी कि अगर ऐसा वाकई में है तो शार्दुल को छोड़कर जाते ही उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी, और यहां वो सुरक्षित थे। अगर शार्दुल को उसे चोट पहुंचानी होती या उसे प्रताड़ित करना होता तो वो अब तक कर चुका होता। वहां कोई नहीं है। तो तुम मुझे ये बता रही हो कि तुमने ऐसी जगह से भागने की योजना बनाई है जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि दुनिया कितनी खतरनाक है, बेवकूफ चिड़िया? शार्दुल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और शिजा को देखकर बोला, ऐसी लापरवाही से तुम फिर से किसी ना किसी के द्वारा गुलाम खाने में पहुंचा दी जाओगी। तुम्हें ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन युवा लड़कियां अकेली सुरक्षित नहीं है। लोग हमेशा तुम्हें पकड़कर एक अच्छी कीमत के बदले गुलाम खाने को वापस बेचना चाहेंगे। ये विचार तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा ना? ऐसा नहीं था कि शिजा ने इसके बारे में नहीं सोचा था। शार्दुल की बात काफी हद तक सही थी और दोबारा बेचे जाने का विचार उसके दिमाग में भी आया था, लेकिन पिछली बार, जो कि पहली बार भी था जब शिजा बेची गई थी, तो ये उसके रिश्तेदारों के कारण था जिन्होंने उसे फंसाया था। ये सोचकर वो सोच रही थी कि उसे बेचने से प्राप्त चांदी के सिक्कों का उपयोग करने के बाद वो कैसी जिंदगी जी रहे थे, और शिजा ने शार्दुल को पूरा नहीं बताया था। उसने एक नया जीवन शुरू करने के लिए, राजपूताना की यात्रा करने के लिए जो अपना पैसा बचाया था, उसके बारे में उसने शार्दुल से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शार्दुल बाकी लोगों की तुलना में बहुत तेज था। शिजा को उम्मीद थी कि राजपूताने पहुंचने के लिए वो पैसा काफी होगा। इसके आगे और क्या, ये तो पूरा सच नहीं हो सकता। मैं हजारों सोने के सिक्कों में खरीदी गई अपनी चिड़िया को कम नहीं आंकूंगा। जब मैं अपनी चाची और चाचा के साथ रह रही थी, तब मैंने पास के जंगल में कुछ सिक्के बचाकर छुपाए थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें उन पर भरोसा नहीं था? जवाब में शिजा मुस्कुराई।
शार्दुल ने ऐसी मुस्कान उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आखिरकार वो अपने आसपास बनाए घेरे को तोड़ रही थी। शिजा ने पुरानी बातों को याद किया और उसे ये महसूस हुआ कि इन छोटी छोटी बातों पर उसे पहले ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसने इन्हें नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि ये उसके अपने खून के रिश्तेदार थे। उसने शार्दुल से कहा, मेरे कपड़ों में छुपाकर रखे गए कई पैसे, आने और दो अन्निया अक्सर गायब हो जाया करते थे। श्योर कहीं के? क्या तुम एक और सफर करना चाहोगी? उनसे मिलने के लिए? ना बाबा ना। तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है नन्ही चिड़िया। कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है जबकि कुछ अच्छे में बदल जाता है। तुम और मैं दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से 3 हफ्ते पहले तुम्हारे पास जो था उसकी तुलना में आज बहुत कुछ है। अरे सोचो तो कितना मजा आएगा। इस बात पर शिजा को संदेह हुआ। शार्दुल के लिए ये देखना मजेदार हो सकता था कि शिजा को अचानक अपने दरवाजे पे पाकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन शिजा को यकीन नहीं था कि वो इस मुलाकात के लिए तैयार है या नहीं। शिजा ने सवाल किया, क्या आप मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे? हम दोनों में सिर्फ जानकारी और सच के आदान प्रदान का सौदा हुआ था, सवालों की कोई बात नहीं हुई थी प्रिय। शायद बाद में जब हम आपके प्यारे चाचा और चाची को मिलने जा रहे होंगे तब सवालों की बात कर सकें, ठीक है? आप पिशाचों और शुद्ध खून वाले पिशाचों के मुद्दे पर वापस आते हैं। हम पहले से ही शुद्ध खून वाले पिशाच की विशिष्ट क्षमताओं की बात कर चुके हैं जो कि एक औसत पिशाच में नहीं होती है। कुछ दुर्लभ शुद्ध खून वाले पिशाच कुछ ताकत में, कुछ अपने वंश के कारण विशेष क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे। ये याद रखना कि सभी विशेष योग्यताएं केवल शुद्ध रक्त वाले पिशाचों से शुरू होती हैं, लेकिन सभी शुद्ध खून वाले पिशाचों के पास विशेष क्षमताओं के उपहार नहीं होते हैं। ये एक बहुत ही दुर्लभ उपहार है। कुछ लोग इसके बारे में खुले में दावा करते हैं और कुछ इसे गुप्त रखते हैं। ये क्षमताएं क्या हैं? कुछ शुद्ध खून वाले पिशाच झूठ का पता लगा सकते हैं, कुछ में अंधेरे में देखने की क्षमता होती है, अपनी ताकत से आग या बर्फ पैदा करने की ताकत और लोगों को बिना छुए मारने की ताकत। इनमें से कुछ वास्तव में अजीब और बेकार है, लेकिन कुछ बहुत ही दिलचस्प हैं। पौधों और पेड़ों को उगाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शिजा ने सोचा कि एक शुद्ध खून वाले पिशाच के लिए पौधे उगाना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने शार्दुल को देखा, तुम्हें उत्सुकता है ना कि मेरे पास कौन सी क्षमता है? अरे तुम पक्का ये सोच रही हो ना कि महान शार्दुल को निश्चित रूप से कुछ बढ़िया क्षमता मिली होगी। शार्दुल इसके बारे में इतनी खुशी से बात कर रहा था कि शिजा वाकई जानने के लिए उत्सुक थी। एक पल के लिए यहीं रुको, तुम्हें दिलचस्पी है ना जानने में, यहीं रहना। वो कमरे में शिजा को छोड़कर दरवाजे से बाहर चला गया। शिजा सोच रही थी कि शार्दुल कहां चला गया। कुछ पल बीतने के बाद वो एक पोशाक के साथ वापस लौटा। पोशाक बहुत मुलायम थी, इस पर छोटे फूल बने थे। ये उस तरह की पोशाक थी जिसे एक महिला शाम को किसी के घर मिलने जाने या घर पर चाय के लिए मेहमान आने पर पहनती थी। गुसल खाने का इस्तेमाल करके खुद को साफ और तैयार करो। शिजा सोचने लगी कि आज क्या खास बात थी जो शार्दुल शाह उसे अपने गुसलखाने स्नान का उपयोग करने दे रहा था। अक्सर वो उसे नौकरों के आवास में भेज देता था, लेकिन आज से पहले शार्दुल ने उसे कभी भी पहनने के लिए पोशाक नहीं दी थी। पिछली बार जब उसने एक अच्छी पोशाक पहनी थी तो शार्दुल ने हुस्ना बानो को देने के लिए उसे वापस ले लिया था। जब शिजा ने उस वाक्य के बारे में सोचा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। शिजा ने नहाने के बाद कपड़े पहन लिए और अपने बालों को सिर के ऊपर बांधकर बाहर निकली। शार्दुल अपनी अलमारी में कुछ कर रहा था। शिजा के कदमों की आहट पर वो पलटा। वो बिना गहनों के भी खूबसूरत लग रही थी। उसने पोशाक थोड़े अजीब तरीके से पहनी थी, पर शार्दुल समझ सकता था कि वो गरीबी से आई थी।
और उसने कभी भी ऐसे कपड़े देखे तक नहीं थे। शार्दुल ने आगे बढ़कर उसकी पोशाक ठीक की। इसके बाद शार्दुल ने अपने हाथों से शिजा के बाल पहले सुलझाए, फिर संवारे। शिजा को याद आ रहा था कि इससे पहले बस उसकी माँ ने इतने प्यार से उसके बाल बनाए थे। शिजा को नहीं पता था कि शार्दुल क्या कर रहा था, लेकिन 2 हफ्ते तक आलू की बोरी पहनने के बाद पोशाक शिजा को अच्छी लगी। वो खुद को आईने में देख रही थी। काफी देर तक अपनी उंगलियों और कंघी को शिजा के बालों में घुमाने के बाद शार्दुल ने उसके बालों को सुंदरता और करीने से संवार दिया। अपने काम की तारीफ करने के लिए शिजा को आईने के सामने छोड़कर शार्दुल ने स्टैंड पर लगे कोट को उठाया और बोला, आज तुम वो सपाट जूते पहन सकती हो। शार्दुल ने न केवल उसे एक अच्छी पोशाक पहनाई थी, बल्कि अपने खरीदे गए जूते पहनने के लिए भी कहा था और उसके बाल भी बनाए थे। क्या शिजा कोई सपना देख रही थी या ये सब सचमुच हो रहा था? शार्दुल इतना अच्छा कैसे हो सकता है? एक बार जब शिजा तैयार हो गई तो शार्दुल ने उससे उसका हाथ देने को कहा। हम कहां जा रहे हैं शार्दुल साहब? अभी एक पल में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कहकर शार्दुल ने शिजा को वही कुटिल मुस्कान दी जिससे उसे बेचैनी होने लगी। शिजा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। वो उसके हुक्म का इंतजार कर रही थी ताकि वे कमरे से बाहर निकल सके। क्या वो कुछ कहना चाहता था? मेरा हाथ कसकर पकड़ो। शिजा ने ऐसा ही किया। अगले पल शिजा को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने अपने कानों में हवा की तेज आवाज महसूस की। पलक झपकते ही वे अब शार्दुल के कमरे में नहीं बल्कि उस गांव में थे जहां उसके चाचा चाची थे। ये अचानक क्या और कैसे हुआ? शिजा सदमे में थी। ये देखने के बाद कि वो अब शाह हवेली के कमरे में नहीं थे बल्कि गांव में थे जहां उसके रिश्तेदार रहते थे, वो चौंक गई। ये गांव उसके गांव से सटा हुआ था। अभी क्या हुआ कुछ भी समझने में असफल होकर उसने शार्दुल को देखा। शार्दुल की धूसर कत्थई आंखें पहले की तुलना में ज्यादा चमकीली थी। हम यहां कैसे आए? टेलीपोर्टेशन मेरी ताकत है, यानी मैं अपने दिमाग को ताकत से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता हूं, चीजों को हिला सकता हूं। मैं कहीं भी किसी भी समय आ जा सकता हूं। शिजा को लगा उसे चक्कर आ जाएगा, वो लड़खड़ाई तो शार्दुल ने उसकी बाजू थाम कर उसे सहारा दिया। आराम से, देखो हम शुद्ध खून वाले पिशाच अपनी पहली पीढ़ी से जितने करीब होते हैं, हम में से कुछ लोगों को जो दुर्लभ उपहार प्राप्त होता है, यानी हमारी क्षमताएं उतनी ही अद्भुत और मजबूत होती हैं। वक्त और पीढ़ियों के अंतर के साथ साथ ये कमजोर पड़ने लग सकती हैं, समझी? शिजा के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। आए दिन उसे एक के बाद एक कोई ना कोई नई जानकारी दी जा रही थी और उसके लिए इन जानकारियों को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो सोच रही थी कि क्या इसी टेली के आगे जो भी उसने बोला, क्या इसी क्षमता के कारण शार्दुल ने शिजा को तब पकड़ लिया था जब उसने पहली बार भागने की कोशिश की थी। हे भगवान, इसका मतलब ये था कि अगर वो भागना चाहते भी तो उसके लिए कोई मौका था ही नहीं। ऐसा नहीं था कि शिजा अब भी बचने के रास्ते की तलाश में थी, कम से कम तब से तो नहीं जब से उसे पता चला कि वो एक सफेद चुड़ैल है जिसकी गर्दन एक ऐसी तलवार के नीचे लटकी हुई थी जिसे आम लोगों में फैलने वाली खबर और कानाफूसी के बिना पर कभी भी शिजा की गर्दन काटने के काम में लिया जा सकता था। वो बेवकूफ नहीं थी जो खुद भीड़ का शिकार बनने उनके बीच चली जाए, जबकि वो जानती थी कि पागल भीड़ उस पर मिट्टी का तेल फेंकने और उसे जिंदा जलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। शिजा के जहन में सवाल आया और उसने शार्दुल से पूछ डाला, तो फिर आप घोड़ों और बग्घियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई भी एक बंद कमरे जैसी बग्घी में यात्रा के लिए अपना समय क्यों खराब करेगा जब वो अपने मन की ताकत से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं और गायब भी हो सकते हैं। जिंदगी बहुत सामान्य से हो जाएगी अगर मैंने हर बार ऐसा किया। कई बार आपको उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता होती है जिस पर बाकी लोग चलते हैं,
वरना आप एक अलग से व्यक्ति हो जाओगे जो छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने में विफल हो जाओगे। और मुझे बग्गी की सवारी पसंद है, इससे मुझे सोचने और मनन करने का वक्त मिलता है। इस बात को समझो चिड़िया कि क्षमता के साथ सीमाएं आती हैं। सीमाएं? जो खून हम पीते हैं वो क्षमता का उपयोग करने के बाद हमारे शरीर में खत्म हो जाता है। ये एक ऊर्जा स्रोत है जिसे हमें लेते रहने की जरूरत होती है, और मुझे हमेशा वो रक्त नहीं मिल सकता है जो मुझे चाहिए। खैर, तुम मेरी क्षमता के बारे में क्या सोचती हो? यही कि ये शानदार है। शीजा सहमत थी। वो खुद अपने लिए ऐसी क्षमता चाहती थी जिससे वो जब जहां जाना चाहे चली जाए। उसने शार्दुल से आगे पूछा, क्या ये बात राज की बात है? अगर मैं कहूं कि हां ये बहुत बड़ा राज है, तो क्या तुम इसे गुप्त रख पाओगी? मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया है। शीजा ने कह तो दिया, लेकिन सच ये था कि जो रहस्य वो जानती थी उसके बारे में या कोई भी और बात करने वाला उसके पास कोई था ही नहीं, तो वो किसे बताती और क्या बताती? देखो शीजा, यहां इस दुनिया में रहस्य ही सब कुछ है। अगर तुम राज नहीं पचा सकती तो जिसका राज है उसके साथ तुम्हारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। बहरहाल मुझे ये बताओ कि सिक्कों की वो थैली कहां है जिसे तुमने जंगल में छुपाया था? जब इसे अच्छे उपयोग में लाया जा सकता है तो इसे यहां छुपाकर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं मौजूद हूं। क्या तुम सहमत नहीं हो? अच्छा बोलो, तुमको पैसे की क्या जरूरत है?